the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again hello everyone namaskar mai dr paramjeet aap dekh rahe doctor education dosto agar aapke safed baal are rahe hain chahe koi bhi safed कई लोगों को परेशान करते हैं और कोशिश करते हैं आपके बाल जो हैं वापस से काले हो जाएं और इसी सिलसिले में आप ने कई सारे आर्टिकल वीडियोस और कई सारे जड़ी बूटियाँ पाउडर तेल शैम्पू ट्राई कर छोड़े और आपको रिज़ल्ट नहीं मिला तो फिर ये वीडियो ज़रूर देखना है इस वीडियो में हम आपको सच्चाई बताएंगे कि क्यों एक बार जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो काले नहीं हो सकते और अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं तो समाल पहला और सीधा सीधा फैक्ट्स आपको बताएंगे हंड्रेड परसेंट जेन्यून एंड रिसर्च फैक्ट सबसे पहला फैक्ट ये है कि बालों में जो ऊपर आए हुए काले बाल होते हैं उनमें जान नहीं होती है आप भी जानते हो काटते हो इसलिए आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता लेकिन बाल में जान नहीं है तो उगते कहाँ से हैं बाल के हेयर फॉलिकल से हेयर फॉलिकल जहाँ बाल चमड़ी के अंदर से निकलता है वहाँ पर एक फॉलिकल होता है उसी फॉलिकल के अंदर जो है बालों में जो तेल आने वाला एक ऑर्गन होता है एक छोटी सी ग्रंथि होती है हो और कलर डालने वाली मेलेनोसाइट करके ग्रंथियाँ होती हैं वहीं पर और इन जड़ों में जो मेलेनिन मेलेनिन बनाने वाली मेलनोसाइट्स होते हैं ये उम्र के साथ सभी के जो है मेलोनोटाइड्स डी हो जाते हैं डीजनरेट मतलब ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं तो अपने आप सभी के जो बाल हैं सफ़ेद आने लगते हैं बिना कलर के आने लगते हैं कम आने लगते हैं कम और बहुत पतले और आराम से झड़ जाते हैं इसलिए आप उम्र के साथ गंजे और सफ़ेद बाल वाले हो जाते हैं अब अगर कम उम्र में ये हो रहा है या किसको किस, किस उम्र में ये होना शुरू होगा इसका डिटर्मिनेशन जो करता है वो है आपके जीन्स आपके जेनेटिक्स आपके परिवार में कैसा हुआ था आपके माता पिता भाई बहन आपके हिस्ट्री में कैसा हुआ था आपकी फ़ैमिली उससे डिसाइड होता है कि आपके बाल कब जाएंगे कब जाने शुरू होंगे और प्लस ये तो आपकी किस्मत की बात होगी आपकी जेनेटिक की बात अब आगे इसके ऊपर और ऐसी की तैसी आप कर सकते हो अपनी बाय डूइंग सम बैड थिंग्स टू योर बॉडी टू योर हेयर टू योर कई सारी बीमारियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं सो so, अगर ऐसी किसी बीमारी के वजह से किसी डेफिशेंसी के वजह से आपके के के वजह से बाल जो आपके सफ़ेद जेनेटिकली नहीं होने थे इतनी जल्दी अब हो रहे हैं तो उसे करेक्ट किया जा सकता है वरना एक बार जो बाल सफ़ेद आने लग गए वो वापस से काले नहीं आते जेनेटिकली अगर वो काले आने नहीं शुरू होंगे छः में से एक फैक्टर हो छः में से एक क्या नंबर एक जेनेटिक्स है तो तो नहीं हो सकता अगर आपके बाल जा रहे हैं डेफिशिएंसी से तो डेफिशिएंसीज में सबसे टॉप डेफिशिएंसी है विटामिन बी ट्वेल्व जी हाँ वाइटामिन बी ट्वेल्व डिफिशियंसी जिसको एक परमिनीशियस एनीमिया भी कहते हैं उसमें ये भी हो जाता है कि आपके बाकी सारे विटामिनस की कमी हो जाती है आपके बाल बनाने वाले भी जो वाइटाम्स हैं आयरन सेलिनियम वो सब भी कम हो जाते हैं उसके वजह से अल्टीमेटली आपके बाल जो है ख़राब होने शुरू हो जाते हैं फिर बात आती है अगर डेफिशियसी है डेफिशेंसी करेक्शन से फ़ायदा मिलेगा अगर आप थारॉयड प्रॉब्लम है थायराइड प्रॉब्लम में भी इट इज़ पॉसिबल हॉर्मोनल चेंजेस चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो ज़्यादा वाला थायराइड हो या कम वाला दोनों ही प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं मतलब आपके वाइट हेयर कर सकते हैं इनको अगर करेक्ट करें इनके मेट फंक्शन को करेक्ट करें तो भी आपके बाल जो हैं फिर आगे आने वाले बाल वापस से काले हो जाएंगे मगर जो एक बार सफ़ेद निकल गया वो निकल गया वो नहीं वापस काला है उसमें अंदर से ऐसे रंग नहीं आएगा उसको ऊपर से ही काला करना पड़ेगा आपको डाई करके कलर करके नीचे से आने वाले बाल वापस काले इस तरीके से हो सकते हैं अगर आपको बी ट्वेल्व डिफिशेंसी है थायराइड प्रॉब्लम है अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे कि विटिली है या किसी प्रकार की कोई एलोपेशिया जैसा ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब आप ही की इम्यून सिस्टम आप ही के हेयर फॉलिकल्स के जो मेलनोसाइट्स है उसको डैमेज कर रहा है सो so, उस जगह पर कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें एंड डालने से करने से कई बार ऑटो इम्यून डिजीज ठीक हो जाती है तो इसलिए कई बार स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम दी जाती है क्रीम लगाओ स्टीरॉयड जैसी हो सकता है ठीक हो जाए तो वो डिपेंड करता है आपके डर्माटोलॉजिस्ट उस केस के लिए प्रीमेच्योर ग्रेइंग के लिए आप चमड़ी के डॉक्टर से कंसल्ट करें सो ऑटोइम्यून डिजीज़ थाइरॉयड बी ट्वेल्व डिफिशियंसी और स्मोकिंग अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वहाँ पे ब्लड फ्लो कम जाएगा अल्टीमेटली खून की नशे सिकुड़ती हैं और बाल भी झड़ते हैं वाइट भी हो सकते हैं स्मोकिंग से रिलेटेड है स्ट्रेस इज ऑल्सो एक फैक्टर जो जो थोड़ा सा मान लीजिए कहते हैं ना चिंता से बाल सफ़ेद हो गए ऑल इसके बहुत सारे एविडेंस नहीं है लेकिन एक एक फैक्टर है जिसके वजह से स्लीप प्रॉब्लम आ जाती है ये इनडायरेक्ट फैक्टर है आप स्ट्रेस में रहोगे एनजाइटी आप अपना ख्याल नहीं रखोगे न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखोगे स्लीप प्रॉब्लम होगी दवाइयाँ नहीं खाओगे सो अलॉट ऑफ एपिटाइट चेंज हो जाएगा बी बढ़ जाएगा सो so, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं एंड देर इज़ अ कनेक्शन वेरी नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट देर इज़ अ कनेक्शन जिसमें आपके फॉलिकल्स में प्रॉब्लम हेयर फॉलिकल्स और जो मेलोनोसाइट्स हैं उनके दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है स्ट्रेस से सो so, इन सारी चीज़ों को करेक्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है वरना एक बार आ गया बाल सफ़ेद वो काला नहीं होता और जेनेटिकली अगर आपके काले बाल सफ़ेद हो गए हैं तो वो वो भी काले नहीं होते बीस साल की बीस या तीस साल की उम्र के अंदर अंदर अगर आपके काले हो रहे हैं तो या तो जेनेटिक प्रॉब्लम है या इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है और अगर आपके 30-35 साल के बाद वाइट होने शुरू हुए हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके जेनेटिक uh, प्रीडिस्पोजिशन ही है तो आप कोशिश करें इसके साथ एडजस्ट uh, करने की और अगर आपके कोई डेफिशेंसी उसको करेक्ट करने की राइट right? कई सारे वीडियोस हैं हमारे डेफिशिएंसीज के ऊपर और हेयर के ऊपर हेयर केयर के ऊपर वो ज़रूर देखें हमारी कोशिश रहती है कि आपको सही जेनुन नॉलेज दें ताकि उल्टे सीधे चीज़ों से आप बचें तो so, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है चार बातें सीखे हैं तो ज़रूर सबको ये वीडियो शेयर थैंक यू सो मच दिस इज़ डॉक्टर परमजीत स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थ